बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये वही पुराना खूबसूरत फार्म हाउस है जिसकी वीडियो पहले भी हमने बनाई थी। अब यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बन गया है। ये देखें, इस तरफ से आपको पहले दिखाते हैं कबूतरों का घर, जो कि काफ़ी मेहनत से जंगला बनाया गया है, और पीछे इनके कमरे भी बनाए गए हैं जहाँ पर ये रहते हैं। हर नस्ल के यहाँ पर अलग-अलग इनके कमरे हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद भी हैं। पहले तो आपको यहाँ का सीन दिखाते खूबसूरत। ये देखिए, पहले पार्क भी नहीं थी और यहाँ पर पौधे भी नहीं थे, जो कि अब इसकी वजह से काफ़ी खूबसूरती में इजाफा हुआ है। इस तरफ ये देखें, काफ़ी कबूतर बाहर आए हुए हैं। सुबह के 10 बजे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सारे कबूतरों को बाहर निकाला हुआ है उड़ाने के लिए। ऐसे ये पर्ख खाकर उठते हैं तो उनकी जिसम में कुव्वत आ जाती है। ऐसे ही ये चाको चुबन रहते हैं और उड़ने की बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। बहुत ही शौक के साथ इन्होंने रखे हुए हैं। इनकी बाजी भी लगाते हैं, जो कि काफ़ी लाखों की तादाद में एक दूसरे के साथ लगाते हैं, जो कि कभी हार भी जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। वो कबूतरों की मेहनत के ऊपर ही होता है कि उनको कितना खिलाते हैं और वो कितना देर तक ऊपर उड़ सकता है। ये देखिए, आपको अंदर से दिखाते हैं, कमरों में भी ये काफ़ी मौजूद हैं। इस तरफ तो नहीं है, अब आपको बाहर से दिखाते हैं। दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से कितना ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है फार्म हाउस का। देखें, बिल्डिंग की शेप भी काफ़ी अच्छी है। वो साथ ही में एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। ये देखें, वो एक आदमी है जो कि इनकी रखवाली करता है, इनकी देखभाल करता है। देखें कितने खूबसूरत छोटे छोटे कमरे हैं, और ये इनके घर बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं जो कि अंडा देने के लिए बैठी हुई हैं। वो देखें, आपको एक नज़र आ रही है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये देखें, इसे पास करके दिखाते हैं आप। यहाँ पर भी दो हैं। देखें, आपको इनकी आवाज़ भी खूबसूरत आ रही है। देखिए, इन्होंने सब रंग का रंग लगाया है। अगर ये अगर दूर भी चले जाएं तो इन्हें अपनी निशानी से पहचान हो जाती है कि ये हमारा कबूतर है। ये देखें, इसके नाखून कितने तेज़ हैं, हाथों को लग रहे हैं। ये देखिए, पकड़ने के लिए कुछ काफ़ी घबरा भी रहे हैं और कुछ छुप कर बैठ भी गए हैं। यहाँ से देख लिए, अब जाते हैं दूसरे कमरे में। देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी जमा हो गए हैं, कितने ही सारे। अंदर वाले सारे के सारे बाहर आ गए हैं अंदर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई पहली बार आता है तो ऐसे ही घबरा जाते हैं। देखें, लोहे का काम हर जगह पर हुआ पड़ा है, जो कि काफ़ी ही मेहनत से बनाया गया और मजबूती के साथ। ये देखें कैसे नज़्म व ज़ब्त के साथ, लाइन तरतीब के साथ एक ऊपर बैठे हुए हैं। देखें, अब इस कमरे में जाते हैं, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगे, जिसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। देखे रंग बिरंगे, इन्होंने रंग के ऊपर छोटी रिंग डाली हुई है, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं वो भी। तकरीबन काफ़ी नस्ल के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वैसे ही अपनी रंगत और सामत की वजह से कुछ अलग अलग लग रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ नस्लों के होते हैं। कुछ ज़्यादा उठते भी हैं, कुछ ज़्यादा रहते भी हैं। ये देखिए, गर्दन का रंग की माया, देखिए इसके आगे सफ़ेद रंग। इस तरफ आते हैं तो ये सारे के सारे बाहर, जो कि धूप की रोशनी की वजह
वजह से काफ़ी चमक रहे हैं। फार्म हाउस जो कि ज़्यादातर शौक के साथ ही बनाया जाता है और वहाँ पर शौक के साथ ही चीज़ें रखी जाती हैं। ज़्यादा पैसे वाले ही लोग ही अपना शौक पूरा करते हैं। ये देखें कितना ही खूबसूरत बनाया गया है ये फार्म हाउस। यहाँ से देखें कितना ही खूबसूरती नज़र आ रही है इसकी।